27 तारीख को बाबा के कृपा से कीर्तन था, आप सभी को पता भी है क्योंकि मैं आप सबके बीच मौजूद था। होशियारपुर जहां कभी कभी मुझे आने का मौका मिलता है, क्योंकि होशियारपुर आना इतना आगे वाले, पीछे वाले, माता
मुझे बताएगा मेरा है तो मेरी गुजारिश वो बेगाने नहीं है। आप जिसे भी जो भी आपके पिता माँ फूफा चाचा चाची दादा दादी बुआ भाई बहन जिसे भी मिस करते हो एक बार ऊपर देख के उन्हें प्रणाम करके इस समय वो भी वहाँ बैठे हैं ताली बजे सुनाइए। जय हो पितर देवा करूं मैं तेरी सेवा। जो बिल्कुल पीछे पौड़ियों में बैठे हैं एक बार आप भी ताली बजाते हैं। देख रहे होंगे ऊपर आज सबका 50% पितृदोष माफ हो चुका है। होशियारपुर में बैठे लोगों आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो मैं देता हूं जवाब उसका। होशियारपुर एक है कि दो है, स्वर्ग एक है कि दो है। इस समय आपके पूर्वज भी वहां बैठे हैं और मेरे पूर्वज भी वहां बैठे हैं, आपस में बात कर रहे होंगे मजा आ गया। पड़ोसी तो हिंदू था कन्वर्ट हो गया लेकिन मेरा पोता जो छोड़ के गया था वो वहीं बैठा है वहां पे। दोनों हाथ फेंक रहा ताली बजाकर गाना ये बात। जय हो पितर देवा करूं तेरी सेवा। 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 और अब जो नाम लेने जा रहा हूं पता लग जाएगा भगत कितने आए आशिक कितने आए। खाटू वाले श्याम जी सारा जग मेरे शाम का दीवाना, तुम एक बार खाटू जाके आना। सारा जग मेरे शाम का दीवाना, तुम एक बार खाटू जाके आना। सारा जग मेरे शाम का दीवाना, तुम एक बार खाटू जाके आना। लाखों लाखों लोग लगे हैं कतार में, लाखों लोग लगे हैं कतार में, लाखों लाखों लोग लगे हैं कतार में। एक शाम बाबा ये पहली अर्जी है आज होशियारपुर में जो उठाए दोनों हाथ उनका हाथ पकड़ लो हाथों हाथ और जो बजाए ताली 12 महीने बनाए दिवाली और जो बजाए शोर कभी ना रहे कमजोर। सारी दुनिया में है बोझ बाजा, कोई पैदल आता कोई आता कार में, कोई श्याम बाबा ये पंजाब वाले ने तू इना तो थोड़ा जा दूर पैंदा है, घटो घट 350 किलोमीटर तो मिनिमम ही हैगा ते होशियारपुर तो भी 600-700-800 किलोमीटर पै जाए। इना पैंदा ते खाटू 750। हे बाबा तुम्हें मेरे साथ तो गलत करा ही करा, मैं 550 दूर हूँ ये 750 दूर है। एक ऐसी गाड़ी दियो इनको भी जाते हुए मुझे भी बिठा के ले जाए। कोई पैदल आता कोई आता कार में, कोई पैदल आता कोई आता कार में, कोई बात होगी लगता कार में। और ये मेरे नौजवान भाई खड़े हैं, मैं कहूंगा मेरी बात मान लोगे?
ना ही किसी के लंबे बाल पे मरो, ना ही किसी की मतवाली चाल पे मरो, मरता है तो यशोदा के लाल पे मरो। बढ़िया ने बढ़िया का गिल लिया, शर्मा जी का गिल लिया, वर्मा जी ने वर्मा जी का गिल लिया। लेकिन ये 30,000 से ज्यादा भगत जो आज होशियारपुर में आए हैं, इनका कौन गिनेगा? हमने दो बार नहीं कहा, यहाँ 30,000 भगत है, हमने 60,000 बार कहा है। और जब हम दो बार और कहेंगे तो 1,00,000 बार से भी ऊपर डब जाएगा, और जहाँ इतना नाम हो जाएगा वहां श्याम बाबा का भी मंदिर भव्य बन जाएगा। दोनों हाथ उठाकर गाना एक बार प्रेम से, ओम श्री श्याम देव नमः, 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 आइए आइए, ओम श्री श्याम देव नमः, ओम श्री श्याम देव नमः, ओम श्री श्याम देव नमः, ओम श्री ये नहीं सब
कहीं जगह ही नहीं है तो जो लाइनों में हजारों भक्त खड़े हैं ये कहां बैठेंगे, मैं तो ये सोच के हैरान हूं। लेकिन ये देख के खुश भी हूं, कईयों ने पूछा मुझे कन्हैया जी आप जहां भी जाते हो इतनी भीड़ क्यों आती है, मैं बोला बाकी जगह हिंदू आते हैं अपने यहाँ कट्टर हिंदू आते हैं भाई, उनकी जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये कहा पूरी आवाज में मेरी धाम जिसे कह लेना ये जय सिया राम मेरा जोर से आए वो मेरी धाम जिसे कह लेना दुनिया से अब तो दामन थाम ले
सोम प्रकाश जी से, उनकी धर्म पत्नी जी से ये फूल आप ले लाए। एक फूल गुलाब का लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक फूल गुलाब का लाया हूँ। आप चढ़ा कर आ जाइए तेरे अर्पण के लिए, ताली बजाए, चाहे वो दुआबा टीवी हो। किसने दिया बेटा? पापा। क्या बोले पापा? पापा बोले ये मेरा हो गया, ये हो गया ना मेरा। अब पकड़ो, पापा को कहना पापा कन्हैया मित्तल जी ने कहा है कि ये पैसे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए दे देंगे, ठीक है? कौन सिखाएगा इन बच्चों को? कौन सिखाएगा? अब सिखाई मंदिर में ऐसी क्लासेस चलती है, कोई स्कूल में ऐसी क्लासेस चलती है, ये तो यहीं से सिखाए जाएंगे और कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता ये सिखाने के लिए। ऐसा तेरी कोई ना मिसाल,
Thank you.
लोग आपसे खोज निकालेंगे। खोज किसमें निकाला जाता है? जिसमें कुछ खड़ा होता है, जिसमें कुछ होगा ही नहीं उसमें खोज क्या निकलेगा। दो साल
ਇਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਜਾ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ 17-17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੌਭਾਗਿਸ਼ਾਲੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਲੀ ਵਜੇ ਇਨ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਮੇਂ ਆਏ। ਜੈ ਹੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਸੇ ਆਸ ਲਗਾ ਬੈਠੇ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਪ ਰੱਖੋ, ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਲਈ। कनाडा में भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। और साढ़े बालाजी बीजे आले बाबे भी हैगे, लोकी अपना बीजा लवाई जाते ने, बाबे का लवाते ही। मैं क्या बाबे का पहला लाओ फिर साढ़ा लायो, जे मंदिर बनाओगे तो असि कनेडा जावे, नहीं तो जाने ही नहीं। आप या कनेडा साढ़े लिए तो भारत तो उत्ते कुछ नहीं नजर आता। यह आपको जिम्मेवारी दी है, ताली बजे कराइए।
बाबा सर गए आपसे बाबे का दरबार देखिया चांदी दिया सोने के दरबार से मैं भी गया और सोने चांदी बीच बाबा कहना तेरे को फिर ही आऊ मैं क्या बाबा दिल साडा सोने वरगा सोने वरगा दिल किवें होगा करना चाहने अपने मन से ईर्ष्या निकाल दो जेलसी निकाल दो तब आपका दिल भी सोने के जैसा होगा। राम जी के सामने हनुमान जी ने सीना फाड़ा आपको क्या लगता है अंदर राम सिया बैठे थे? नो, हनुमान जी के मन में कोई ईर्ष्या नहीं थी और जब ईर्ष्या नहीं होती तो दिल शीशे के जैसा साफ होता है। जब सीना फाड़ा तो सामने राम सिया थे और शीशा सामने था राम सिया। मन में जलसी मत रखो। एक मास्टर जी थे भगवान उनपे खुश हो गए कहा तुझे दो वरदान दूंगा मांग ले जो मांगना लेकिन शर्त है जो तू मांगेगा पड़ोसी को दुगना मिलेगा। मास्टर जी टेंशन में बोले खुश तो मुझ पे हुआ मिलेगा पड़ोसी को बोला भगवान कल बता दू भगवान भी फंस गए बोला वरदान तो देना ही जब बोल दिया बोला ठीक है कल बता दो। अब मास्टर नहीं बड़ी तेज थी उसको लगा पता नहीं कल मास्टर क्या मांगेगा मास्टर ने पहले ही गोल मोल कर दिया बोले भगवान एक मंगला दे दो सभी को भाई और एक भी भगवान बोले तथास्तु। अब जैसे उसको एक गाड़ी और एक मंगला दिया तो पड़ोसी के दो बंगले दो गाड़ी हो गए। अब मास्टर जी स्कूल से आए उन्होंने उड़ा देखा वाह 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 जैसे ही देखा याद आया पड़ोसी को दुगना मिला होगा। पड़ोसी के देखे दो दो बंगले दो दो गाड़ी तो मास्टर जी के पसीने छूट गए बोले आज ही हो गया मैंने लगता है मास्टर ने कुछ ना कुछ कर दिया। अंदर गया कहता भागवान ने देखो जी देखो बंगला बन गया कट्ठी बन गई कहना तेन पता नहीं पड़ोसी ने भी दो दो बन गया बेवकूफ ना होता हूं रुक जा मैं करता कुछ कहना भगवान मेरी एक अख फोड़ दे। पड़ोसी दिया दो में फुट गई कहना मेरा एक हाथ भी कट दे पड़ोसी दे दो में कहना मेरी दो में लत्ता भी कट दे पड़ोसी दे दो। भगवान ने कहा बेवकूफ अपने मन से जलन निकाल सब कुछ होते हुए भी चाहे उसका सब कुछ चला गया अपाहिज तो तू भी हो अपाहिज तो तू भी हो तेरा क्या बचा। इसलिए मन में से जलन निकाल दो जब जलन निकाल दोगे तो ज्वलनशील पदार्थ हनुमान जी खुद ही आकर बैठ जाए। ताली बजाना बजा एक बली के लिए सोनी चांदी बीच किस से मिलने आए बालाजी।
ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर और कुछ नहीं आता था। जब वो 25 साल का हुआ तो घर वालों को लगा कुछ नहीं करता, धक्के मार के निकालो इसको, धक्के खाएगा अपने आप कमाएगा। अब निकाला और जिसने कुछ किया ही नहीं, सामने हनुमान जी का मंदिर था, ये बड़ा सा ताली बजाओ खड़े हनुमान जी के, बड़े हनुमान जी के लिए, राक्षसों से लड़े हनुमान जी के लिए। तो जाके बैठ गया, वहां संत बैठे थे, बोला गुरुजी चेला बना लो। गुरुजी बोले कोई काम आता है? बोला हाँ आता है। बोले क्या आता है? बोला खाना खाना आता है। बोले और कोई काम आता है? बोला कुछ नहीं आता। बोला घंटी बजा लेगा मंदिर में? बोला हाँ बजा लूंगा। सुनना जरा ध्यान से, भगवान कैसे आते हैं। और शाम को आरती हुई, भोला ने जोर जोर से घंटी बजाई, आरती खत्म हुई, भोला बोला प्रसाद। गुरु जी बोले आज एकादशी है, ना भगवान खाते हैं ना हम बनाते हैं। भोला बोला मैं मर जाऊंगा अगर मुझे खाने को नहीं मिला। तो गुरु जी बोले इनको एक समय का राशन दे दो, खुद ही खाओ और खुद ही बनाओ। और बोला खाने से पहले राम जी को भोग लगा लेना। अब भोला ने बनाया खाना, भूल गया राम जी को बुलाना। अब जैसे ही निवाला डालने लगा, अब आज लगाई आओ राम जी भोग लगाओ, मेरी भक्ति का मान बढ़ाओ। इतने प्यार से बोला कि राम जी सच में आ गए। अब भोला टेंशन में, एक ही तो आदमी का खाना है, या तो राम जी खाएं या मैं खाऊं। बोला तुम ही खा लो, मैं अगली बार खा लूंगा। अगली एकादशी को गुरु जी को बोला गुरु जी धोखा देना राम जी। कुंडली के लाले जब ब्याह गए फिर की तरह नुमायो निछत्ती गाने मिले मन ने। हम लोग गुजरात में गए ना, तो हमने इसको गाया
આમે સારું લાગે છે આમ મહારાષ્ટ્ર ગયે વાપરે કરા ના માતા ચાંગલા વાટતે હા માતા ચાંગલા વાટતે તો આપ પંજાબ મે હે તો હરિયાણા ભી કી જગહ ફિર હમ ભી પંજાબી કરતે સાનું ચંગા લાગે દે સાનું ચંગા લાગે દે સાનું ચંગા લાગે દે સાનું ચંગા લાગે દે ઓ બાપા ચંગા લાગે દે કોણ કોણ સુનના ચાહતા હૈ સાનું ચંગા લાગતા હૈ આજા ભાઈ પંડાલ મેં કઈ જગા નહીં
तो जो लाइनों में हजारों भक्त खड़े हैं ये कहां बैठे हैं? मैं तो ये सोच के हैरान हूं, लेकिन ये देख के खुश भी हूं। कईयों ने पूछा मुझे, कन्हैया जी आप जहां भी जाते हो इतनी भीड़ क्यों आती है? मैं बोला बाकी जगह हिंदू आते हैं, अपने यहाँ कट्टर हिंदू आते हैं भाई। चलो हाथ उठा ताली बजा के, ओ की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये कहां, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये कहां। ये जय सिया राम जरा जोर से आए, ओ मेरी धाम जिसे कह देना, जय सिया राम मेरी धाम जिसे कह देना, जय सिया राम धाम संगी जपता तुम्हारा सदा, धाम संगी जपता तुम्हारा सदा, मेरी धाम जिसे कह देना, मेरी धाम जिसे कह देना। जो बजा रहे हैं ताली उनकी भोजन भी खाली ना रहे थाली, और जो उठाए दोनों हाथ 12 महीने होली दिवाली मनाए हाथों हाथ, और जो लगाए जयकारा उनका बनना सहारा, बोलो साला सुंदर बार की। बाहर वाला तो बिल्कुल नहीं, इंसान तक होता है अपनों से, कभी भी कहीं भी गड़बड़ हुई तो अपनों से हुई। बैठ करके बैठ, अभी तो ट्रेलर है। होशियारपुर का नाम है, मेरू मन हुआ